नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के शेरकोट में फोर लेन की मिट्टी का भराव ना होने से सीवर का पानी हुआ जमा। पानी में कुत्ते बिल्ली मरने से स्थानीय निवासियों का जीना हुआ दूभर। महामारी फैलने की आशंका। मोहल्ला चौधरीयान में नगरपालिका का नाला खत्म होने के कारण सीवर व नालियों में बहने वाला पानी एक जगह जमा हो गया है, जो तालाब का रूप धारण कर चुका है। पीएनसी की लापरवाही के कारण उस पानी में कुत्ते बिल्ली मरे पड़े हैं। होने से पानी में इतनी बदबू आ रही है कि स्थानीय लोगों का रहना खाना पीना मुश्किल हो गया है। वार्ड सभासद अमर सिंह ने बताया कि मेरे द्वारा नगर पालिका और अन्य संबंधित अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जबकि यहाँ पानी की इतनी बदबू आती है जिससे स्थानीय लोगों को खाना पीना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस पानी में अभी से मच्छर की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं इस पानी से महामारी फैलने की पूरी आशंका बनी हुई है। मोहल्ले के स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन व शासन से उक्त स्थान पर मिट्टी भराव करने की मांग की है। साथ ही लोगों ने इस पर और कोई भी कार्यवाही न करने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। बिजनौर जिला ब्यूरो शमीम अहमद की रिपोर्ट। नाम आपका? अनीता देवी। क्या मामला है यहाँ पानी का? ये यहाँ सड़क बन रही है, इसमें पानी इकट्ठा हो गया है, इसमें कुत्ते बिल्ली मरे पड़े हैं, सड़ रहा है पानी, बदबू आ रही है, शाम को रहा नहीं जाता इस हमसे और खाना भी नहीं खाया जाता, इतनी बदबू आ रही है, मच्छर बहुत हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह, मैं इस वार्ड का सभासद हूँ और मैंने कई बार इस गंदगी पानी की शिकायत की बड़े अधिकारियों से भी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इसके रहने से संक्रमण फैलने का अंदेशा है। यहाँ खाना तक नहीं खाया जाता, इतनी बदबू आती है यहाँ पर। क्यों बदबू क्यों आ रही है, क्या कारण? ये पानी सड़ा है, इसमें तमाम प्लास्टिक और यानी क्या क्या पशु हुआ के मर जाते हैं, जानवर छोटे मोटे, इसलिए शिकायत कहाँ कहाँ? शिकायत नगर पालिका में अपने और ऊपर भी कई अधिकारियों से, इनसे संबंधित जो सड़क से हैं हाईवे से, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर परविंदर कुमार राजपूत, ये चौधरीयान शेरकोट जी। ये जो पानी भरा है आपने शिकायत की? इससे शिकायत की थी नगर पालिका में की थी, और बाकी लिखित में तो कहीं नहीं की, मौखिक में हमने सभी से कहा, जो जहाँ जहाँ हम कह सकते थे सभी लोगों से कहा मौखिक में। और ये नगर पालिका के रोड था, यहाँ बना हुआ हमारे घर के सामने, ये हमारा घर है जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम, ये नगर पालिका का रोड था, ये नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा, काम चल रहा, तो पानी से दिक्कत क्या? पानी से दिक्कत ये हो रही है कि नगर पालिका के जो बस्ती का पानी था वो टोटल पानी यहाँ नगर पालिका की रोड पर आता था, अब वो पानी ये रोड NH के उसमें जाने से अधिग्रहण में ये सारी तोड़ने के बाद नाली सारी डिस्टर्ब हो गई, पानी हमारे घर के सामने सब रुका हुआ है। बात आ रही है पानी से? पानी में ये सब टैंकों का पानी है, बस्ती का फ्लैश टैंकों का पानी है, गंदा पानी है, सारा इकट्ठा हो गया, इसमें कुत्ते बिल्ली तमाम जो मर जाता है वो यहीं डाल देते हैं, तो उससे जो है बहुत ही बुरा हाल है, महामारी की आशंका है, महामारी फैल सकती है।